हाय नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत उम्मीद करते हो आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की ये मेरी वीडियो में आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ हो सकता है चेंज लगे, बिकॉज आज मैं सुबह सुबह ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा आज सबसे पहला काम यही कर लिया जाए, तो नहाने धोने फ्रेश होने के बाद मैं वीडियो बनाने बैठ गई और बहुत ठंड भी लग रही है। दूसरा रीजन ये भी है बिकॉज आप सबको पता है ठंड थोड़ी बढ़ चुकी है, इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। और आप सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, बिकॉज ओमिक्रॉन जो है उसके काफ़ी केसेस आ गए हैं। इवन मेरे खुद के नोन टू में मैंने देखा है कि 2-3 पॉजिटिव हो चुके हैं लोग। तो आप लोग भी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ऑल दो न्यूज़ में ये बता रहे हैं कि ये बहुत माइल्ड है, इसमें कुछ ऐसे सीवियर सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बिकॉज अगर आप लोग सेफ हैं तो आपकी पूरी फैमिली सेफ है। तो वापस आते हैं मेरे आज के टॉपिक के ऊपर। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो है जवाब शिकवा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था शिकवा, तो उसके बाद में आप लोगों के कमेंट आए थे कि जवाब शिकवा के ऊपर भी आप एक रिएक्शन वीडियो बनाएं, बिकॉज मुझे नहीं पता था शिकवा का जवाब शिकवा भी है, बट आप लोगों के कमेंट से पता चला और आज हम जवाब शिकवा के ऊपर अपनी वीडियो बना रहे हैं। सो आई एम ऑल सेट विद माई पेन एंड नोट पैड, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें भी काफ़ी ऐसे वर्ड होंगे या ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे नोट डाउन करनी पड़ेंगी ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और जैसे हमारा शिकवा था उसमें बहुत ही खूबसूरत वर्ड यूज़ किए गए थे शिकवा करने के लिए, तो आई एम 110% श्योर कि जवाब शिकवा में भी इतनी ही खूबसूरती के साथ में जवाब आया होगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जवाब शिकवा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसी उल असल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकश चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बनी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सुकान जमी कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। इस कदर शोख के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है। आलम कैफ है दानाए रुमूज कम है, हाँ मगर इज्ज़ के असरार से ना महरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। आई आवाज गमंगेज है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। आसमां गिर हुआ नारा मस्ताना तेरा, किस कदर शोख जबां है दिले दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे का किया हुस्ने अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। हम तो मायल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। हाथ बेजोर हैं इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाय से रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं,
था ब्राहिम पिदर और पिसर आजर हैं। बाद आशाम नए बाद नया खुम भी नए हरम काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था नाजिशे मौसम गुल लाला सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था। किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है हमसे कब प्यार है। हाँ नींद तुम्हें प्यारी है तब आजाद पे कैद रमजान भारी है। तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फर्दा हो। क्या कहा बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर मुस्लिमाई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। मनफियत एक है इस कौम की नुकसान भी एक एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिक्का बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कौन है तारिके आईन रसूल मुख्तार मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। किसकी आंखों में समाया है शियारे अग्यार हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। कल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब जहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब। नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। उमरा नशे दौलत में गाफिल हमसे जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही बरकतबई न रही शोला मकाली न रही रह गई रस्म अजां रूह बिलाली न रही फलसफा रह गया तलकीन गिजाली न रही। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। दम तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक अदल उसका था कवि लौ से मराआत से पाक। शजर फितरत मुस्लिम था हया से नमनाक था शजात में वो एक हस्ती फौकुल इदराक। खुद गुदौजी नम कैफियत सहबा यश बूद
خالی از خیش شدن صورت مینایش بود. هر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کئے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا، قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادی پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے، گلہ جور نہ ہو شکوہ بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو، عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شولب پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گلبر انداز ہے خون شہدا کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انا بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے، امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا، پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساماں تیرا، نخل شمع استی و در شول دود ریشے تو، عاقبت سوز بود سایه اندیشه تو، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ مئے کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساماں ہے دلازاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا،
क्यों हिरासा है सहीले फरसे आदा से, नूरे हक बुझ न सकेगा नफसे आदा से। चश्मे अकवाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी। जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। मिसल बू कैद है गुंचे में, परेशान हो जा, रख्त बर्दोश हवाए चमनिस्तान हो जा। है तुनक माया तो जर्रे से बयाबां हो जा, नगमाए मौज से हंगामाए तूफान हो जा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अकवाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफत शान रफ़ग़ना लक ज़िक्रक देखे। मर्दों में चश्मे ज़मीं यानी वो काली दुनिया, वो तुम्हारे शोहदा पालने वाली दुनिया, गर्मी महर की परवरदा हिलाली दुनिया। इश्क वाले जिसे कहते हैं बिलाली दुनिया, तपिशंदोज़ है इस नाम से पारे की तरह। गौतज़न नूर में है आँख के तारे की तरह। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि जैसे शिकवा बहुत ही खूबसूरती के साथ में लिखा गया था, तो जवाब शिकवा और भी ज़्यादा अच्छा लिखा गया है। बिकॉज जब कोई भी पोएट होते हैं या राइटर होते हैं, वो कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो अपने आप को उस जगह पे रखते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फर्स्ट पुट योर फूट इन हिज शूज़, तभी आप लोगों को वो सिचुएशन पता चलेगी, वो बंदा क्या सोच सकता है उसके बारे में पता चलेगी। और ये जो जवाब शिकवा है, ये तो खुदा के लफ्ज़ों में लिखा जाना था कि अगर हमने ऐसी उनसे कंप्लेंट की है तो उसके रिप्लाई में वो क्या हमें जवाब देंगे। एक एक वर्ड बहुत ही सोच समझ के लिखा जाना चाहिए था, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो उसके ऊपर, कोई लोग ऑब्जेक्शन ना करे कि ऐसे कैसे कोई लिख सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से लिखा है। और इसमें लास्ट में उन्होंने जो बोला था कि मोहम्मद से वफा जो तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह ओ कलम तेरे हैं, तो
उनका कहने का मतलब ये था कि सिर्फ ये नहीं कि आप प्रोफेट मोहम्मद से वफा करो, इतना नहीं था, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है कि जो प्रोफेट मोहम्मद ने आपको इतने सारे मैसेज दिए हैं, बिकॉज हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि प्रोफेट मोहम्मद हम लोगों को कितने मैसेजेस देके गए हैं कि जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जिन्हें हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हमारी वफा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और हम लोग उनके बताए रास्ते पे चलते हैं, जो उनकी हम लोगों के लिए एडवाइस है उस सबको फॉलो करते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं उन सब चीज़ों को, तो इसका मतलब है कि हम उनके लिए वफादार हैं। क्योंकि जो इंसान किसी के लिए जब वफादार होता है ना, तो वो उनकी उनके अगेंस्ट नहीं कभी जाता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 5 टाइम्स की नमाज करनी है तो करनी है, नो मैटर कि मेरी ऑफिस की मीटिंग है या मुझे मैरिज में जाना है या मेरे बच्चे की मैरिज है, चाहे जितना मर्जी बड़ा फंक्शन घर में क्यों ना हो, आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो था कि किसी भी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज रखती है। मतलब जब दिल से कोई बात निकलती है तो ऐसा नहीं कि उसकी कुछ वेटेज नहीं होती या कोई उसको एड्रेस नहीं करता। अगर आपके दिल से सच में कोई बात निकलती है तो वो जरूर उसका एक असर होता है सामने वाले के ऊपर में। पर नहीं मीन्स अगर उसके पर मीन्स विंग्स नहीं है, बट क्या है कि वो आसमान को छूने का दम रखती है, कि मतलब इतना असर होता है कि अगर कोई बात आपके दिल दिल से निकली हो। और इसके बाद में ये भी कहा गया था कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। मतलब अगर आप में सच में दम है तो हम लोग आपको बहुत मीन्स शान शाने कई देना है, मीन्स आपको वो सक्सेस मिल जाएगी जो कि हमारे रब हमें देगा। और इस दुनिया की तो बात ही क्या, वो तो आपके लिए एक नई जो इंसान ढूंढने अगर कोई इंसान वाकई ढूंढने की कोशिश करे तो ये दुनिया क्या उसको, उसके लिए तो रब एक नई दुनिया भी बना के दे देंगे कि ये लो ये एक नई दुनिया है, आपने इतना ढूंढा तो आपको एक नई दुनिया भी मिल सकती है। तो ये बहुत इजी है, क्योंकि शिकवा में उन्होंने बहुत सारी कंप्लेन की थी कि हम लोगों ने ये किया वो किया, फिर हमारे रब ने उसके बदले में अभी भी हमसे नाराज हैं। उन्होंने पूछा था रब से कि आप अभी भी हमसे नाराज क्यों हो। तो दिस इज नॉट सिंपली कि आप बोल सकते हो कि हम मुस्लिम हैं तो बस हो गया सब कुछ, हम मुस्लिम हैं हम लोगों को अल्लाह को वो सारी चीजें दे देनी चाहिए। मुस्लिम होना इज नॉट एवरीथिंग। सबसे पहले तो ये सोचिए कि अगर आप मुस्लिम हैं तो क्यों है मुस्लिम, है आपके पास आंसर? आपने क्या किया उस मुस्लिम रिलीजन को बनाने के लिए या उसको एज इट इज मेंटेन करने के लिए? नथिंग। क्योंकि आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए तो आप मुस्लिम बन गए, अगर आप क्रिश्चियन सिख हिंदू किसी और धर्म में पैदा हुए तो आप वो होते। लेकिन आप अगर मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए तो ये मत सोचो कि बस हो गया मेरा काम। आपको वो जो लेगेसी है, वो जो डिग्निटी है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो यू नो टू मेंटेन द डिग्निटी एंड द लेगेसी? कुछ नहीं कर रहे। कुछ है ऐसा स्पेशल जो आप कहो कि हाँ मैं अपने धर्म को मेंटेन करने के लिए कर रहा हूँ? तो हमारे जो अल्लाह का रिप्लाई आया है उसमें यही बोला है कि आपने क्या किया, जो भी करके गए हैं वो जो थे आपके एंसेस्टर्स, जो भी करके गए हैं आपके वो जो क्या बोलेंगे उनको हम, जो एंसेस्टर्स होते हैं, तो जो शिकवा उन्होंने किया था, आई थिंक जो बीच की एक लाइन आई थी, कुछ जो समझा तो मुझे रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आई थिंक ये शिकवा के लिए ही उन्होंने बोला कि जब मैंने शिकवा किया था उस टाइम पे, कि अगर मुझे कोई समझ सका है तो वो रिजवान रिजवान होता है। रिजवान का मीनिंग मुझे पता है बिकॉज मेरे एक नोन टू थे जिनका नाम रिजवान था, और जब मैं उनसे उनका मीनिंग पूछा था कि आपके नेम का क्या मीनिंग है, तो उन्होंने मुझे बताया था रिजवान होते हैं एंजल्स, एंजल्स वो वाले एंजल्स नहीं जो जिब्रील वगैरह थे, ये रिजवान होते हैं जो पैराडाइज जो जन्नत है, जन्नत के जो गेट के पास होते हैं, वो पूरा वहाँ की मेंटेनेंस और सब कुछ देखते हैं। तो वो वाले जो एंजल थे उनको रिजवान बोलते हैं। तो उन्होंने बोला अगर कोई मुझे समझा तो रिजवान समझा, और उसने भी क्या सोचा कि शायद इसको जन्नत से निकाल दिया, इसलिए ये अब अल्लाह से इतनी सारी कंप्लेंट्स कर रहा है, इतना शिकवा है इसे। तो
तो ये उन्होंने आई थिंक शिकवा के लिए ही बोला है कि क्योंकि उन्होंने शिकवा किया था अल्लाह से, तो शायद क्योंकि उसमें बाद में मून सन मिल्की वे उन सबका उन्होंने बोला था कि जब उन्होंने मेरी ये आवाज़ सुनी तो कोई मुझे बोल रहा था कि ये पाशिंदा कौन है, और फिर चांद ने बोला कि ये शायद धरती का ही कोई इंसान है, फिर मिल्की वे ने बोला कि नहीं ये कोई पाशिंदा है, तो ऐसे करके कर उन्होंने बोला कि सब लोगों ने यही सोचा और वो शिकवा के लिए ही सोचा होगा, बिकॉज उन्होंने शिकवा किया तो वैसे सब लोग बोलेंगे अरे ये कौन है जो इतनी शिकवा कर रहा है, वो भी किससे, अपने रब से जिसने इस दुनिया को बनाया है, पूरी कायनात को बनाया है, बिकॉज उनसे तो हम शिकवा क्यों ही करेंगे क्योंकि इतनी सारी चीजें हम लोग हमें वो दे रहे हैं। फिर उन्होंने मेंशन किया है कि जो एंजल्स थे वो भी हैरान थे कि ये कौन है कि जो इतना शिकवा कर रहा है, इसको क्या बात करने का सलीका नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए, और वो किससे कंप्लेन कर रहे हैं, उस रब से कंप्लेन कर रहे हैं जिसने उसे बनाया, एंड दिस ह्यूमंस आर सो रूड, और वो लोग हम बोलेंगे कि रूड रूड बोलेंगे, इंसोलेंट इंसोलेंट इज द राइट वर्ड, क्योंकि वो रूड भी हैं बदतमीज भी हैं, उन्हें बात करने का सलीका नहीं है कि कैसे की जानी चाहिए, तो उन्होंने वो ही बोला है कि दे आर सो इंसोलेंट कि उन लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कैसे बात की जानी चाहिए और कैसे वो शिकवा कर रहे हैं एक अपने रब से, जिस पावर पे वो इतना गुमान कर रहे हैं कि मेरे पास पावर है और आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि आई कैन स्पीक, आई कैन हियर, आई कैन लिसन, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, सब कुछ है, तो वो किसने दिया, रब ने दिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि फिर भी उसको ये बात करने का सलीका नहीं है, उसको अपनी पावर का इतना गुमान है कि वो इस चीज को भूल गया कि हाउ टू टॉक मीन्स हाउ हाउ टू से समथिंग टू समबडी, और वो किसको बोल रहे हैं उस टाइम पे जो शिकवा में पूरी बातें रब से बोली गई थी और वो रब को कंप्लेन कर रहे थे, और उनको इतनी मीन्स ये एंजल्स बात कर रहे हैं आपस में कि उनको इतनी भी मैनर्स नहीं है कि कैसे हमको बात करनी है अपने रब के साथ में, अपनी पावर के जोश में वो इतने अंधे हो गए हैं, पावर भी क्या कि वो ये कह रहे हैं कि हमने आपके लिए ये किया था, हमने आपके लिए काबा बनाया, हमने आपके कुरान को सीने से लगाया, हमने इस्लाम को इस दुनिया में लेकर आए, और मीन्स बहुत सारी चीजें थी शिकवा में जो बोली गई थी कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने तलवार उठाई, हमने आपके नाम के नारे लगाए, और हम लोगों ने दूसरे बंदे को आपके अगेंस्ट नहीं बोलने दिया, तो वो बोल रहे कि आप अपनी पावर में इतने अंधे हो चुके हो कि मीन्स यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड यू डोंट नो हाउ टू टॉक, तो ये सारी चीजें इसमें एंजल्स की कॉन्वर्जेशन है जिसमें वो लोग बोल रहे थे कि ये इंसान को क्या हो गया है, वो बिल्कुल भूल गए हैं, और किस बात का गुमान, आप लोग अगर मुस्लिम हो, क्यों हो आप मुस्लिम, क्योंकि आपने एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया इसीलिए आप मुस्लिम बन गए, अगर आप हिंदू फैमिली में, सिख में, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए होते तो आप उसी रिलीजन को फॉलो करते, बट ये सोचो कि अगर आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए तो उसकी वो लेगेसी, उसकी वो डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, है आपके पास वो आंसर कि उस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए या उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हो, क्या आप प्रोफेट मोहम्मद के बताए हुए जितने भी आपके लिए मैसेजेस हैं या प्रोफेट मोहम्मद का बताया हुआ जो रास्ता है आप उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हो, कितनी चीजें हैं उसमें से जो आप निग्लेक्ट कर रहे हो और कितनी चीजें हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हो, इवन 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही है आपसे, अगर शादी है, ऑफिस जाना है, फ्रेंड के साथ में पार्टी करने जाना है, कुछ और चीज हो गई तो आप लोग बोलते हो कि चलो किसको स्किप करोगे सबसे पहले, आप पार्टी को स्किप नहीं करोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं आधे घंटे लेट चले जाता हूँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, आप किसको स्किप करेंगे, नमाज को, ये होता है, तो किस चीज के लिए आपको इतना गुमान है कि मैं मुस्लिम हूँ, नहीं, तो यही चीज जवाब शिकवा में रब की तरफ से आई है कि आपको किस चीज का गुमान है कि आप मुस्लिम हो, जो कुछ किया, अगर आपने काबा बनाया, अगर आपने कुरान को सीने से लगाया, अगर आपने मेरे नाम के नारे लगाए, आपने तलवार उठाई, आपने इस्लाम को एस्टेब्लिश किया, आपने कुछ नहीं किया, वो किसने किया, आपके जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स मीन्स आपके जो होते हैं पापा से पहले वाले, हमारे पूर्वज, पूर्वज तो हमारे जो पूर्वज थे जिनको हम लोग एंसेस्टर्स बोलते हैं, उन्होंने किया था, आप लोगों ने नहीं किया,
तो आप सिर्फ इसी बात का गुमान लेके घूम रहे हो कि भैया हमारे तो पूर्वजों ने किया था, तो उन्होंने किया ना, आप क्या करो, एटलीस्ट उस लेगेसी को मेंटेन करने के लिए तो कुछ करो। तो यही जवाबी शिकवा में खुदा ने कहा है कि मतलब किस चीज का गुमान है, आपकी तो नींद ही पूरी नहीं होती है। अगर आपको उठाया जाए कि चलो उठ जाओ, विंटर्स आ गई हैं, बहुत ठंड होती है, सबको पता है ठंड है, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स आपको उठाते हैं, मम्मी पापा आके उठाते हैं कि बेटा उठ जाओ नमाज का टाइम हो गया, क्या आप उठ जाते हो एक आवाज में? आप क्या कहते हो, चलो आज की मिस कर देता हूँ मैं, कल कल की नमाज पढ़ लूंगा? क्यों? क्योंकि आपको हमसे प्यार नहीं, आपको किससे प्यार है? आपको अपनी नींद से प्यार है। ये चीज उसमें मेंशन भी की गई थी, एग्जैक्टली मैंने नोट डाउन भी किया, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उन्होंने लिखा था, किस तरह तुम पे गिरा सुबह की नादानी है, हमसे कब प्यार था तुम्हें तो नींद प्यारी है। तो ये उन्होंने मेंशन किया गया था कि तुम्हें अपने रब से प्यार ही कब है। बातें करने को तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमने ये कर दिया खुदा, अब आप बस हमें सीधा जन्नत भेज दो, या हम लोगों को सारी वो फैसिलिटीज दे दो जो हमें चाहिए। ऐसे नहीं मिलती हैं, यू हैव टू डू समथिंग टू हैव दैट, यू नीड टू डू द हार्ड वर्क टू अचीव समथिंग। अगर आपको सच में कुछ अचीव करना है लाइफ में भी, यहाँ जिंदगी में भी, आप करते हो ना सो तरह की जॉब करते हो कि कुछ कमाई हो, तो उसी तरह अगर खुदा से भी आपको उनका प्यार, उनकी इनायत चाहिए, तो उसके लिए यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड, तभी आपको वो सब मिलेंगी। सिर्फ शिकवा कर देना कि हमने किया था, वो भी आपने नहीं किया था, वो आपके पूर्वजों ने किया था, आपने कुछ नहीं किया। आप अल्लाह को जवाब इस चीज का दो कि आपने उनके उसके लिए क्या किया, उस लेगेसी को मेंटेन कैसे कर रहे हो। है कोई आंसर? मुझे नहीं लगता किसी के पास भी आंसर होगा। आप लोग जो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस्लाम को इस दुनिया में लाया गया, कौन लेकर आए, कौन थे आपके लास्ट पैगंबर, सिर्फ आपको ये नॉलेज है। अब उसके बाद में जो भी उस टाइम पे लड़ाइयां हुई, सब कुछ इतना खून खराबा हुआ, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की कि वो इस दुनिया में इस्लाम को फैला सकें। बाप का इल्म अगर बेटे को ना हो तो अजवर है, ये भी एक उसमें लाइन थी। तो बाप का इल्म सिर्फ, ठीक है, आपको अपने पापा को, जितने भी इल्म है आपके पापा को, उनका इल्म तो आपको लेना ही चाहिए, बट इसमें उन्होंने ये चीज भी मेंशन की गई है, सिर्फ बाप आपको, आपके पापा नहीं, जो आपके एंसेस्टर्स थे उनका जो इल्म था उसको भी आपको कैरी फॉरवर्ड करके अपने तक लेकर आना है। तो जो बीच में इतना गैप आ गया है तब से लेके अभी तक, तो सच्ची बताओ आप लोग, क्या वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज ठीक है, मोटी मोटी चीजें मैं खुद भी जो मुझे पता है मैं गिनवा देती हूँ। जो फीमेल्स हैं वो बुरखा पहनती हैं, और नेल पेंट उन्हें लगाना मना होता है तो वो नेल पेंट नहीं लगाती, वो मेहंदी से अपने नेल्स को कवर करती हैं, और बिंदी वगैरह लगाना मना होता है वो नहीं लगाती हैं। तो कई चीज़ें हैं जो गर्ल्स की, मैं अभी भी जो फीमेल मुस्लिम्स हैं उनके लिए बोलूँगी कि वो फॉलो करती हैं, बट जो मेल्स हैं, आप लोगों को बोला गया है कि अगर किसी अनजान औरत की तरफ आपकी नज़र उठती है तो आपको नज़र नीची कर लेनी चाहिए। कितने आप लोग हो जो वाकई ही बाजार में जाते हो या कहीं पर भी, और आपकी नज़र किसी लड़की पर पड़ गई, आपने इमिडिएटली नीचे कर ली? या चलो ठीक है कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप लोगों को इंटरेक्शन करना पड़ता है, फीमेल कलीग भी होती हैं, स्कूल में फ्रेंड्स भी होती हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स होती हैं, है ना, तो बात करनी पड़ती है। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि उनको गलत नज़र से नहीं देखते, या कभी गलत ख्याल नहीं आता? ठीक है, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि यू हैव टू इंटरेक्ट विद फीमेल्स, बट आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग में, अपने दिल में कोई गलत ख्याल नहीं लेकर आते? जो हमारे पैगंबर हैं उनका मैसेज था कि गलत नज़र मत उठाओ। चलो आजकल नज़र उठ जाती है, बट गलत ख्याल तो मत लाओ एटलीस्ट। उसके अलावा मुसलमानों के इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो लोग दाढ़ी रखेंगे, मुस्टेज नहीं रखना, और 5 टाइम की नमाज पढ़ना, डेली पढ़ना बिना नागे के, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा डोनेट करना, जो भी मजलूम हैं, जो नीडी हैं, उन लोगों की हेल्प करना। तो कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली ये सब चीज़ें कर रहे हैं? फिर आगे अल्लाह ने अपने रिप्लाई में लिखा है कि हो गए इस दुनिया से मुसलमान नाबूद, थे भी कभी मौजूद। मीन्स अभी इस दुनिया से जो मुसलमान हैं
वो वाले मुसलमान जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था इस दुनिया में इस्लाम धर्म को, तो अल्लाह का वही है कि है भी, क्या वो आज की डेट में भी मौजूद हैं जिनको मैं अपना मुसलमान कह सकूं कि ये मेरे मुसलमान हैं? हैं सच में मौजूद? एक और थी इसमें लाइन कि अगर आप ऐसे ही रहे तो आप कैसे यहूदियों को एम्बैरेस करोगे, अगर आपने खुद ही अपने कल्चर को फॉलो नहीं किया, आपने वो सारी जो बयान, वो सारी जो बातें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो कैसे आप यहूदियों को दिखाओगे कि नहीं हम तो आज की डेट में भी एग्जिस्ट करते हैं? उनको एम्बैरेस करने के बदले तो आप लोग उनको ये मौका दे रहे हो कि दिल फील प्राउड कि वो लोग अभी तक अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं बट आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो ऊपर हो जाएंगे ना। आज का जो मुसलमान है उसको मौत का खौफ है, जो वो मुसलमान था उसको मौत का खौफ नहीं था, उसको खुदा का खौफ था। वो मरने से नहीं डरते थे, इसीलिए तो उन्होंने इस्लाम को इस पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश किया ना, क्योंकि वो जाके बस लड़ पड़ते थे। जवाब शिकवा में खुद ही तो मुसलमानों की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग तो आराम भी तलवार की छाव में करते थे। तलवार की छाव में आराम करने का मतलब कि वो इतना लड़ते थे अपने धर्म के लिए कि उनको सोने का, खाने का, पीने का टाइम नहीं मिलता था, और बस वो अपनी तलवारों को लेकर वहीं बैठते थे, वहीं आराम करते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे। लेकिन आज का मुसलमान क्या ऐसा कर सकता है? वो तो अपने आप में ही इतना बिजी है, उसको डर लगता है मैं मर ना जाऊं, वो अपने आप को सेफ रखने की ज्यादा कोशिश करता है राधर देन की अपनी कौम को, अपने मजहब को। इसमें मेंशन भी किया गया है तो मुसलमान हो ये तरीका है, मुसलमानी है, बेमाल थे दीन से रुसवार भी हुए, कि मतलब आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या ये आपका तरीका जो है मुसलमानी है? तो हमेशा यही कंप्लेन कर देना कि हमने इतना कुछ किया है, हमें उसके रिटर्न में अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, या अल्लाह हमसे अभी भी नाराज है, यही सब कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पे फॉर दैट, पे फॉर दैट मीन्स आपको वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत ही खूबसूरत है ये जवाब शिकवा। ओब्वियसली ये खुदा के वर्ड हम बोल सकते हैं कि अगर वो भी जवाब देते वो इसी तरीके से कंप्लेन करते कि आप मुझे कंप्लेन करने से पहले ये बताओ कि आप अपने दीन को, अपने मजहब को बचाने के लिए क्या कर रहे हो। है कुछ आपके पास आंसर उसका? अगर आंसर है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आज का मुसलमान भी कितना अपने दीन के लिए डेडिकेटेड है, या वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।